कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्रक से वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत की। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। राहुल ने यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवर से महीने की कमाई के बारे में सवाल किया। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। ड्राइवर तेजिंदर गिल ने जब उनको अपने महीने की कमाई बताई, उसको सुनकर वो दंग रह गए। इससे पहले राहुल गांधी ने पंजाब में भी ट्रक यात्रा की थी, तब उन्होंने अमृतसर में ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्या जानी थी। अब राहुल अमेरिका के ट्रक में यात्रा करते नजर आए। राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे और उन्होंने अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों के बारे में जाना। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका के ट्रक भारत से ज्यादा आरामदायक हैं और ये ड्राइवर के कंफर्ट को देखकर बनाए गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो ट्रक हैं उन्हें ड्राइवर के कंफर्ट से कोई मतलब नहीं और भारत के ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं बनाए गए। इस दौरान तेजिंदर गिल ने बताया कि यहाँ ट्रक में सेफ्टी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता, ना ही चोरी का डर है। बस अगर आपने ओवर स्पीडिंग करी तो उसका चालान जरूर कटता है। जब राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि आप कितना कमा लेते हो, इस पर ट्रक ड्राइवर तेजिंदर गिल ने बताया कि अगर आप अमेरिका में ड्राइवरी करते हैं 8 लाख रुपए महीने के। और ये सुनकर राहुल गांधी भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि महीने का एक ट्रक ड्राइवर 8 लाख रुपए कमाता है। और ट्रक ड्राइवर बताता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और ड्राइवर ने बताया कि कई बार लंबे सफर में 10 से 15 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। जब राहुल गांधी ने तेजिंदर गिल से कहा कि आप भारत के ट्रक ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर तेजिंदर ने कहा कि भारत के ड्राइवर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रक चलाकर परिवार का पालन अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन भारत में ट्रक चलाकर परिवार को पालना काफी मुश्किल है। जब ट्रक ड्राइवर ने राहुल गांधी से कहा कि क्या आप गाने सुनेंगे, इस पर राहुल कहते हैं हाँ लगाओ, कि हमारी एक रिक्वेस्ट है राहुल जी, हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता था सिद्धू मूसेवाला, उसे इंसाफ नहीं मिला। राहुल कहते हैं हाँ बिल्कुल। तब राहुल कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का गाना लगाओ 295, मैं इस गाने को काफी पसंद करता हूँ। तेजिंदर ने आगे कहा, बीजेपी भक्त रोजगार, पढ़ाई, अच्छे इंसान बनने की बात नहीं कर रहे। ड्राइवर ने कहा कि पिछली बार लोगों ने इन्हें जिता दिया, लेकिन आज इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर के साथ नाश्ता किया और इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई।